रुक्मणी बोली, प्रभु हमें तो अवैध चलो बिना जानती सपनो, मैं तो समझ रही जो हो रहा सब सही है। इतना कहने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गया, रुक्मणी की आंख चुप खुली चुप पड़ी। अब कोई हो तो बोले, कहाँ चले गए तुम, एक बार बोलो ना। चले गए, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा और तुम छोटी सी बात पर नाराज हो गई। आ जाओ श्याम, मैं फिर से सोई जा रही हूँ, आ जाओ कन्हैया। बोली कि मैंने कछु न कही, एक बात नहीं कही, और जुदाई की पीड़ा फिर पाए तो सही। एक बात नहीं कही और जुदाई की पीड़ा फिर काहे को सही। सपने पे खींचन लगी कि सपनों तो मर भाई हो मेरे करो कलेजा देख, और सोबत में हम दुई जने और जब जागी तब। सपनों कुन्ना में तो बोलो हमें मर भये तू, 750 कोस दूरी पर द्वारिका है, अब मैंने तेरे प्रिया से तेरी मुलाकात करवाई और हमें मर भाएगी तू। सोई चुप्पा रह गई, बाग की तरफ चली और बाग में रही सखेलियां। एक बोली बहन रुक्मिणी राह नहीं आ रही है, देखो ना तुम हंसो न करो। दूसरी बोली हरी की दीवानी आ रही है। तीसरी बोली बहना हमें जब मालूम पड़ रही चार में कछु गड़बड़ी है, जब मालूम पड़ दार में कछु कारो कछु ना जमदार कारी। तब तक रुक्मणी पास में आगी, बोली बहना अब तो हमारा मुंह मीठो करवा, तेरी शादी है ना। रुक्मणी बोली मेरी शादी नहीं मेरी तो बर्बादी, और सुनो। अरे मेरे दिल की सुनो सगेली, ढूंढे मेरे भैया ने चंदेरी बहन, अरे चंदेरी में नाए बरूंगी, और मैं तो भाई के चेहरू मारूंगी बहन, मैं तो यार दमक हाथ करूंगी। और ये सरमन सिंह बलबीर के बहनोई साहब 100 मुद्राएं भेंट करते हैं, और पवन कुमार 50 मुद्राएं भगवान के विवाह में दान करते हैं। अपने श्याम की चुगनिया बन जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी, जो शिशुपाल दूल्हा बन के आवे तो चेहरू। इधर रुकम कहने लगा मंत्री ना, यो ब्राह्मण को बुलवाओ, एक लंबा सा थार निकाल के रख दो, हीरे जवाहरात से भर दो, और तुम जानते हो मैं अपनी बहन का टीका अपने साले शिशुपाल के लिए भेज रहा हूँ, और पत्र में क्या लिख रहा है, परिणाम मेरी
एक बहन रूपी मेरी है शरण तुम्हारी, लेकिन अभी तक तुम हमारे बहनों के हम तुम्हारे साले थे, अब हम तुम दोनों बराबर को नहीं जा रहे हैं। और ये समुदाय राम वरण सलेमपुर के रहने वाले भगवान की विभा में दान करते गए। होशियार दे आइयो दूला बने तुम दूला, या मथुरा को आइए बनवारी, जरा होशियारी से आना, फौज लेके आना, भगवान कन्हैया के आने की संभावना है ना। यो ब्राह्मण पत्र लेके चले, जैसे ही शिशुपाल को दिया, कहां से आ रहे हो तुम दोनों? उधर कोशे। और ये थार भर लिए कहां जा रहे हैं? अरे तुम्हारी लैटरी खुली है, ले चिट्ठी पढ़ो, शादी की तैयारी करो। पत्र को खोल कर बोला, अरे भगवान हमारे जैसे बहनों ही सबके बात को सुहा, अपनी बहन लिए और का आंगन में भाजत भव गो भाभी 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 ओ ओ लला देवर। अब हमें दूल्हा बना दो, लगो जल्दी करो, लगो न टीका पूरी न पापड़ी बउवर राय पड़ी। पागल गो, हमारे बहनों ही सब अपनी बहन रुक्मणी की शादी हमारे साथ में कर रहे हैं, और रुक्मणी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि तुम्हें घर में दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वो तो तुम्हारी बहन लगी, ऐसी बहनें देखेगा तो शादियां बंद हो जाए। नायो ब्राह्मण हंसने लगे, मंत्री बोला, महाराज जय सबसे ज्यादा बदनामी करने वाले हो। तलवार ली, दोनों का सर काट के जमीन पे डाल दिया। भाभी बोली, अब जल्दी करो ना, जय दशा बेजुकत दिए। सो मल्लम गई दो चार सहेली ने उठे लाई, आंगन में मड़ाओ गाड़ लो तेल ताई, कछु ना दूल्हा बनाने लगी। लेकिन शगुन एक ना भाई, शगुन तो तब हो तो जब ब्याह हो तो, दूल्हा तो मौत को चूल्हा। क्या हुआ? क्या हुआ कि जग शीश मोहर जब धरो छीक भाई भारी, और पटा दे रपटियो पा आहा, ये पवन कुमार चोरेला टेंट वाले आ जाए, बलवीर सम्मान के लिए बुला रहे हैं। और पटा दे रपटियो पा, पटक लगी भारी पटा दे रपटियो पा, महाराज मूरत है गणेश सुपाल कृपाल, अब करो शोर गुलबन कथा कह रहे प्रमोद कुमार, करो शोर गुलबन खड़ी सबन में ठट्ठा परियाओ गए, पांव रखो छींक गई पट, पांव रपटो पटक लग गई। एक लड़की हंसने को लड़की क्यों हंसी, हम गिर पड़े इसलिए, बहादुर लोग तो ऐसे ही गिरते रहते हैं। बोली भैया वो बात नहीं है, थोड़ी सी कमी रह गई क्या? आ, अभी काजर नहीं लगा। बोली काजर लगाओ, लो कमी छोड़ दी, और का काजर लगा लगी, काजर जब ब्याह हो तो है तब काजर ना लगो, कत लगाओ रा लगाओ जाते काकी में लगो माए। क्या हुआ कि काजर लागी देन भूप के नैन दिखाई रहो पट्टा, कछु सखिया गाय रही की तुम मचाई रही ठट्ठा,
महाराज बिलैया छत पे रोय रही के भाभी दूला रही बनाए नकटी ठाणी रोय रही के भाभी दूला रही बनाए भाभी बोली मेरे तिबरा को रचो पियाओ जब रड़िया खाए कुनो बती के मेरे देवर को रचो पियाओ जब हुरकिनी काय कुनो बती के खुदा कुदरत पागल हो गई तुम जाऊंगा बारात लेके जाऊंगा और ऐसे नहीं आऊंगा आऊंगा तो दुल्हन को साथ ही लेके आऊंगा। भाभी बोली देवर जी अब मान जाओ कछु ना बिगड़ो क्यों अरे दिवराश कमानु हमारी तो ही नहीं मिले बरुकमिनी प्यारी अरे घट जाएगी शान तुम्हारी और पैसे जाना तेदारी अपने मौसी के लड़का दंत बकर को बुलाया 18 छोड़ी सेना सजाली कुंदनपुर को चारों तरफ से घेर लिया। बहन रुकमणी पूजा के लिए गई जैसे ही फौजें देखी लौटे आई आंगन में बैठ के रोने लगी श्याम अब क्या होगा रुकमणी अब क्या होगा कन्हैया। बंसी वाले श्याम कन्हैया मैंने तुमसे जब प्रीति लगाई है। बहन रुकमणी आंगन में बैठ के रो रही है और भैया के साले ने श्याम मेरो नगर घेरी लाओ आई है। अरे कन्हैया भैया के साले की कन्हैया तू लगन नहीं बन पाऊंगी चाद न बैठूंगी टुलिया में मैं तो पेट भर मर जाऊंगी। रोय के बोली शैलेश कैसे मिले बसुरिया बालो बातें तिलकी कहले मुरलिया बालो बातें तिलकी कह लेती। तब तक एक पंडित जी आ गए माता भिक्षाम देवी घर में कोई है या नहीं हो शादी वाला करे क्या भिक्षा नहीं मिल सकती हमारी शादी नहीं हमारी बर्बादी है। शादी नहीं हुई बर्बादी पहले हो गई और का कैसे ऐसे कौन भाव तुम्हारे संग भाव हम क्या बताएं कैसे भाव पंडित जी हाँ हमारा जो भाई है ना
वो हमारी शादी अपने साले के साथ करना चाहता है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ, दिल का देवता कोई और है। हाँ। कौन है? भगवान कन्हैया। अरे तो तेरी मुलाकात कब भाई, कैसे देखो, कहाँ देखो, कब देखो? बोली हमने ना खूब देखो, खूब देखो, खूब देखो, कब देखो, कहाँ देखो, कैसे देखो, बताओ। और एक हार और 501 रुपया भागवत में दान करते थे और सभी स्टाफ को 20-20 मुद्राएं भेंट करते थे और एक हार परीक्षित जी को पवन कुमार चोरेला के रहने वाले कामना करते हैं, प्रभु हमारे भैया को इतनी दौलत देते रहे, ऐसे धर्म की तरफ सदा सदा हाथ बढ़ते रहे। सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी मैंने, अरे देखो दाही भाई की कुछ बात थी सुना। हरी रात श्याम संग हिल मिला सोई, क्या बात, हरी खुल गई आंख पेट भर रोई और मेरे दिल में जई परे जो है सुनो पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी। जवाब दो कछु कह गए? कछु कह गए हरि कह गए श्याम जुठिया पठी भैया, क्या बात है बेटा, चिट्ठिया भेज के गमे बुलवाइयो और सुना को ले जावे मेरो संदेश है सुनो पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी। जब तुम्हारे भैया को साल तुम्हें लेना आवे तो हमारे के लिए चिट्ठिया पठवा दियो। ठीक है पठवा दे चिट्ठी, अब जिन हमारो कोई हो तो चिट्ठी पठवा दे। कितनी भीड़ है तुम्हारो, कोई आई है ना? पंडित जी हमारो कोई ना, कोई ना। और जब भीड़? जब भीड़ तो सिर्फ देखवे ही भरे को है, नकली भीड़ है और का, तो डाक खाने में डाल दे। ई सबरिया लाज तेरी लाज के और जी दुष्ट मोई केरी पड़ो जैसे चिरई है बाज के, एक अच्छा लिख पाती यहाँ सू टपक जात बुआ बिगड़ जात। क्या लिखा? कि पत्र तुम्हें लिखती हूँ माधव और पत्र नगी मेरा दिल समझ लो अपने मन के धारी एक गरीब अपने दिल गिरधारी एक गरीब का दिल है पत्र तुम्हें लिखती हूँ माधव पत्र नहीं मेरा दिल है अरे लिख गई एक तरफ और ये भगवान के विभा में
50 मुद्राएं कन्हैया के नाती श्री औसान सिंह कुबेरपुर के भगवान के विवाह में दान करते थे। और ये प्रभु दयाल हार पहनाकर सम्मानित करते हैं, कामना करते हैं प्रभु इन्हें सदा सुखी रखें। साथियों दूसरी तरफ लिखा, अरे खत लिखती रुक्मिणी नारी सुधि ले ले बंसी बारी, भैया ने बुरो कियो के शिशुपाल बुलाई लियो के, अरे मैं तो मरूं कटारी मारी सुध ले ले बंसी बारे, गई रुकमणी। हाँ लिख गई, जो विशेष बात होती है उसे मोटे मोटे अक्षरों में